पुलिस को श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये सीसीटीवी फुटेज इसी साल 18 अक्टूबर का बताया जा रहा है। सीसीटीवी में आफ्ताब कंधे पर एक बैग लेकर जाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, पुलिस को शक है कि इस बैग में भी श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े सबूत हो सकते हैं, जिन्हें वो ठिकाने लगाने की कोशिशों में लगा रहा होगा। और पुलिस अब इस सीसीटीवी की भी जांच कर रही है। इससे पहले भी श्वेता सीसीटीवी सामने यहाँ पर आया था, अब एक बैग के साथ साथ में आफ्ताब यहाँ पर जब नजर आता है तो सवाल इसी बात को लेकर है, क्योंकि महीनों तक वो लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा था, तो क्या इसमें वही अवशेष मौजूद हो सकते हैं या कुछ ऐसे सबूत थे जिनको ठिकाने लगा रहा था। अब इस सारी चीजों की जांच होगी। जाहिर सी बात है 18 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज है, तो मई में हत्या की गई थी और बताया जा रहा है कि लगातार उसके 18 दिन तक शव के टुकड़े जो है आफ्ताब फेंकता रहा। तो इस सीसीटीवी फुटेज में जो वो बैग लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है बरखा, उसमें हो सकता है कि कुछ और ऐसे सबूत हो, उसके कपड़े हो, जिसको ठिकाने लगाने के लिए जो है आफ्ताब जा रहा हो। ये वो सीसीटीवी फुटेज है, इसे देखिए जरा बरखा गौर से। ये वही इलाका किस तरीके से आफ्ताब जो है बैग के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी जब शव के टुकड़े भी ये फेंकने जाता था इसी तरीके से बैग को लेकर जाता था। किसी को कोई शक नहीं होता था कि आफ्ताब इस बैग में जो है शव के टुकड़े लेकर जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए जरा आपके सामने, आफ्ताब यहाँ से गुजरता हुआ, जिसका वक्त 18 अक्टूबर की ये तारीख जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। वीडियो फुटेज जो है वो पुलिस यहाँ पर जाहिर तौर पर उसकी जांच करेगी कि इस बैग में आखिर क्या मौजूद था। घर के पास में वो जंगल मौजूद जिसमें 18 दिनों तक शव के टुकड़े जो हैं वो फेंके जाते हैं। अब पुलिस जो है वो लगातार एक के बाद एक हर ठिकाने पर पहुंच रही है आफ्ताब को लेकर। मैदान गढ़ी का वो तालाब जिसको खाली यहां पर किया जा रहा है, ये सारी चीजें, ये जांच जो है वो बहुत तेजी से यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, अनुज मिश्रा मैरोली थाने से जुड़े हैं, अभिषेक राज जो है वो अंबेडकर अस्पताल से। अनुज, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, अभी जो एक और सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है उससे जुड़ी क्या जानकारी मिल पा रही है अनुज? जी देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो 18 अक्टूबर का है और करीब 4:01 का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। दरअसल इससे पहले जो सीसीटीवी सामने आया था वो भी लगभग इसी टाइमिंग का था, लेकिन उसका जो एंगल था वो अलग था। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि इस सीसीटीवी में भी जो शख्स बैग को लिए हुए जा रहा है वो शख्स आफ्ताब है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इस बात की जांच की जा रही है। निश्चित तौर पर बैग उसके कंधे पर है, तो ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि जब वो श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स को जंगलों में फेंकने के लिए जाता था और उसके बाद वापस आता था, तो निश्चित तौर पर उसने पूछताछ में ये बताया था कि वो बाकायदा काले रंग की पॉलिथीन में ले जाता था, उसके पास बैग होता था। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है 18 तारीख को भी, चूंकि पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि बॉडी के कई पार्ट्स को उसने जंगल में फेंके थे, तो ऐसे में ये फुटेज ये बताता है कि किस तरीके से सुबह के वक्त जो है करीब 2 बजे के आसपास आफ्ताब जो है वो निकलता था, उसके बाद रोजाना वो 4 और 4:15 बजे के बीच में वो वापस अपने घर पर आता था। तो ऐसे में इस फुटेज की अब जो है वो जांच की जाएगी, लेकिन आज जिस तरीके से बात किया जाए, लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि आफ्ताब का आज नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि पुलिस के पास जो उम्मीदें बची हैं वो नार्को टेस्ट से ही उम्मीदें बची हुई हैं। लेकिन नार्को को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है, चूंकि नार्को से पहले जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि उससे पहले कई टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे बीपी और तमाम जो टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफी, इस तरीके के टेस्ट जो है वो किए जाते हैं और उसके बाद ही नार्को टेस्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक आफ्ताब का वो टेस्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में उम्मीद बेहद कम है